छोड़ो उसे, हमारे पास समय नहीं है, हमें शाम से पहले पहले सागर के पास पहुंचना है। वो चली गई, वो चीले चली गई, मम्मा वो बहुत छोटी है, उन्होंने झूठ बोला। वो बच्चा ऐसे रो रहा था और झाड़ियों में छुपा हुआ था। तोते भैया, मेरा बच्चा घोंसले में नहीं है। कुकु, मेरे कुकु, आप कहाँ हो? मेरे बच्चे, मेरा दिल तो आज पहले से ही डरा हुआ था, आप कहाँ चले गए हो? तोता तो खामोश था, क्योंकि वो तो जानता था कि उस बच्चे को किसी जालिम ने शिकार बना लिया होगा। चिड़िया तो रोए जा रही थी। चलो तोते भैया, हम पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं कोई चील ना उठा लेगी हो मेरे बच्चे को। परंतु चिड़िया बहन, पहाड़ों पर तो इन दिनों कोई चील नहीं रहती। फिर कहाँ चला गया मेरा बच्चा, कहाँ चला गया? मैं कहाँ से लूँ अपना कुकु? ऐसे ही रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन, अब तो रात भी हो गई है, आप चले, हम कबूतर की तरफ जाते हैं, वो आज घर में ही था, हो सकता है उसने किसी को देखा हो आपके घर की तरफ आते हुए। फिर तोता और चिड़िया कबूतर की तरफ जाते हैं। चिड़िया तोते, इस समय आप यहाँ सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा कबूतर भैया, मेरा कुकु घोंसले में नहीं है। मैं और चिड़िया भोजन की खोज में गए हुए थे, जब लौटे तो कुकु को कोई उठा ले गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो सुबह से ही घोंसले में हूँ, मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। कबूतर भैया, मेरा दिल कह रहा है मेरा बच्चा मुझे जरूर मिलेगा, मेरा बच्चा जिंदा है, वो कहीं खो गया है। चिड़िया बहन, अब तो रात का समय है, इस समय कहीं जाना ठीक नहीं, हम सुबह होते ही कुकु की खोज में जाएंगे। मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? कबूतर भैया, मेरा बच्चा मिल तो जाएगा ना? आज आप मेरे पास ही रहें, हम सुबह इकट्ठे ही जाएंगे कुकु की खोज में। कुकु बहुत छोटा था, वो बहुत डरा हुआ था, पहले तो वो चुप करके झाड़ियों में छुपा रहता है, फिर रात के खौफ से वो डर जाता है और वो रोने लग जाता है। वो तो ऐसे ही रह जा रहा था। कालू जी, मुझे तो भूख लगी हुई है। आधी रात को मैं क्या ला कर दूँ तुम्हें खाने को, थोड़ा दूर रहो, कहीं मुझे ही ना खा जाना। कालू जी चलो ना, सब पक्षी तो सो रहे हैं, किसी का भोजन चुरा लाते हैं। इस समय किसका भोजन चुराएंगे, अगर पकड़े गए तो फिर रात का अंधेरा है, हम भाग जाएंगे, हम भी काले और रात भी काली, छुप जाएंगे काली रात में। तो फिर चलो आज पार्टी करते हैं। फिर ऐसे वो उड़ते हैं। बुलबुल सोई हुई है, जाओ तो जाकर देखो क्या है इस मोटो के घोंसले में। फिर कालू कौवा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मम्मा आप कहाँ हैं? ये आवाज कैसी है, कोई पक्षी रो रहा है या कोई छोटा बच्चा है शायद? केवल दो चनों के दाने, ना होने से तो कुछ अच्छा है। कौवा वो चने उठाकर वापस लौटता है। गोरी, ये दो दाने चनों के मिले हैं, और गोरी ये किसी बच्चे की रोने की आवाज कैसी है? ये आवाज तो मैं भी सुन रही हूँ।